न्यूरो एंड्रोक्राइन ट्यूमर की बीमारी से जूझ रहे बॉलीवुड के वर्सेटाइल एक्टर इरफान खान अपने कैंसर का इलाज लंदन में करवा रहे हैं। इस बीमारी के बारे में इरफान खान ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके बताई थी, जिसके बाद बॉलीवुड सहित उनके फैंस को भी इस खबर से बहुत बड़ा धक्का लग गया था। और अब हाल ही में इरफान की एक लेटेस्ट तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, जिसे देख आपको यकीन नहीं होगा कि क्या सच में वो इरफान खान ही है। जी हाँ, सोशल मीडिया में वायरल हो रही ये तस्वीर इरफान खान की ही है, जिसे इरफान खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के प्रोफाइल पिक्चर पर लगाया है। इस तस्वीर में इरफान पहले से काफ़ी पतले नज़र आ रहे हैं। हालांकि अपनी बीमारी के साथ जंग लड़ रहे इरफान खान के चेहरे पर स्माइल भी है। इरफान खान ने इस तस्वीर में येलो टी शर्ट पहनी है और उनके कानों में ईयरफोन लगा है। एक इंटरव्यू के दौरान जब इरफान खान से घर वापसी के बारे में पूछा गया था, तो इरफान ने बताया था कि उन्हें खुद नहीं पता कि वो कब लौटने वाले हैं। उनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है, वो उसे ख़त्म करके ही लौटेंगे। अगर हम इरफान खान की अपकमिंग फिल्म के बारे में बात करें, तो बहुत जल्द उनकी अपकमिंग फिल्म कारवा 10 अगस्त को रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म में इरफान खान के अलावा साउथ सुपरस्टार दलकीर सलमान और यूट्यूब स्टार मिथिला पालकर भी नजर आने वाली हैं। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बॉलीवुड की तमाम एंटरटेनिंग खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब भी जरूर। न्यूरो एंड्रोक्राइन ट्यूमर की बीमारी से जूझ रहे बॉलीवुड के वर्सेटाइल एक्टर इरफान खान अपने कैंसर का इलाज लंदन में करवा रहे हैं। इस बीमारी के बारे में इरफान खान ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके बताई थी, जिसके बाद बॉलीवुड सहित उनके फैंस को भी इस खबर से बहुत बड़ा धक्का लग गया था। और अब हाल ही में इरफान की एक लेटेस्ट तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, जिसे देख आपको यकीन नहीं होगा कि क्या सच में वो इरफान खान ही है। जी हाँ, सोशल मीडिया में वायरल हो रही ये तस्वीर इरफान खान की ही है, जिसे इरफान खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के प्रोफाइल पिक्चर पर लगाया है। इस तस्वीर में इरफान पहले से काफ़ी पतले नज़र आ रहे हैं। हालांकि अपनी बीमारी के साथ जंग लड़ रहे इरफान खान के चेहरे पर स्माइल भी है। इरफान खान ने इस तस्वीर में येलो टी शर्ट पहनी है और उनके कानों में ईयरफोन लगा है। एक इंटरव्यू के दौरान जब इरफान खान से घर वापसी के बारे में पूछा गया था, तो इरफान ने बताया था कि उन्हें खुद नहीं पता कि वो कब लौटने वाले हैं। उनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है, वो उसे ख़त्म करके ही लौटेंगे। अगर हम इरफान खान की अपकमिंग फिल्म के बारे में बात करें, तो बहुत जल्द उनकी अपकमिंग फिल्म कारवा 10 अगस्त को रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म में इरफान खान के अलावा साउथ सुपरस्टार दलकीर सलमान और यूट्यूब स्टार मिथिला पालकर भी नजर आने वाली हैं। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बॉलीवुड की तमाम एंटरटेनिंग खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब भी जरूर।